हाय, मैं सुशांत और आप देख रहे हैं इन्फिनाइट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने इससे पहले के वीडियो में ये इन्वर्टर बनाया हुआ था जिसका आउटपुट एसी था, अल्टरनेटिंग करंट था, और उसी पर यह बल्ब जल रहा था। अब हम इसे डीसी में चेंज करेंगे और देखेंगे ये डीसी पर यह बल्ब जलता है या नहीं जलता है। इसे डीसी में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर और कैपेसिटर का जरूरत पड़ेगा। रेक्टिफायर तो एसी को डीसी में चेंज कर देता है लेकिन प्योर डीसी नहीं कर पाता है, इसीलिए इसके पैरेलल में ये कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। और कैपेसिटर के साथ हम कुछ अलग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। ये इन्वर्टर है, इसे आप तो पहले देख चुके हैं। ये मेरा एक कैपेसिटर का बैटरी है, ये ट्रांसफार्मर है और ये बल्ब इसमें लगा हुआ है। इसके आउटपुट में इसे स्विच ऑन करते हैं, ये इसमें करंट का फ्लो होता है और ये ग्लो कर जाता है। इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो एसी आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। अब हम इसे डीसी में चेंज करेंगे और डीसी से ये जलाएंगे। तो इसे डीसी में चेंज करने के लिए इसके ट्रांसफार्मर के आउटपुट में यहाँ पर रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा और रेक्टिफायर के पैरेलल में कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ये जो रेड वायर है और वो ये वायर मेरा आउटपुट है और ये दोनों वायर मेरा इनपुट देंगे इसमें हम ट्रांसफार्मर से, जो कि अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट। कैपेसिटर के लगाने के कारण ये प्योर डीसी हो जाता है। रेक्टिफायर के बाद डीसी तो हो जाता है लेकिन प्योर डीसी नहीं हो पाता है। कैपेसिटर लगा उसके बाद उसके रेक्टिफायर के पैरेलल में लगा कैपेसिटर लगाने के कारण वो प्योर डीसी हो जाता है, इसीलिए हम कैपेसिटर को यूज करते हैं। अब ये दोनों मेरा आउटपुट है, ये रेड वायर मेरा पॉजिटिव है और वो मेरा निगेटिव है। रेक्टिफायर के पॉजिटिव को कैपेसिटर के पॉजिटिव से जोड़ेंगे और रेक्टिफायर के निगेटिव से कैपेसिटर के निगेटिव को जोड़ेंगे। ये डीसी कैपेसिटर है, 400 वोल्ट और 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो इस वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं। रेड वायर पॉजिटिव है इसलिए इसके पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये इसका निगेटिव है, हर एक कैपेसिटर पर ये इंडिकेट किया हुआ रहता है। और ये जो कैपेसिटर का दोनों वायर है यही मेरा आउटपुट भी हो जाएगा। ये जो बल्ब है इसे हम जोड़ देते हैं। ये बल्ब में ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, इसी के कारण कोई भी वायर किसी में हम जोड़ सकते हैं। यदि आपको जानना है कि रेक्टिफायर कैसे बनता है, उसे यूज कैसे करते हैं, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसका वायर ज्वाइन हो गया है, कनेक्ट हो चुका है। अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे। ये ऑन करने के थोड़ा ज़्यादा देर के बाद ये बल्ब जला, क्योंकि पहले ये जब करंट भेजा तो ये कैपेसिटर पहले चार्ज हुआ उसके बाद आउटपुट भेजा बल्ब के पास। अब ये थोड़ा जल्दी ऑन हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर पहले से चार्ज था थोड़ा, इसलिए जल्द से जल गया ये। हम इस अल्मीनियम फॉयल के साथ कैपेसिटर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहले इसे हम शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि ये कुछ चार्ज होगा नहीं तो ये शॉर्ट मार सकता है। अब हम बल्ब का वायर खोल देंगे और कैपेसिटर से जो वायर जोड़े हैं इसमें उसको भी खोल देंगे। ये जो मेरा आउटपुट है रेक्टिफायर के बाद, उससे हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और उसे शॉर्ट सर्किट करके देखेंगे। ये चार्ज करने वक्त भी ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव को, निगेटिव से निगेटिव को जोड़ना है। रेड वायर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में लगाना है और ये ऑरेंज कलर का वायर निगेटिव में। ये टच करने की थोड़ा देर के बाद ये चार्ज हो जाएगा, उसके हम इसके दोनों इंड को टच कर देंगे। ये शॉर्ट कर गया, ये लगभग चार्ज हो गया 220-230 के आसपास, और इसीलिए इसके दोनों एंड को टच करने पर ये स्पार्क किया। फिर से इसे चार्ज करते हैं और फिर से इसे शॉर्ट सर्किट करके देखेंगे।
यदि इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहें तो घर पे कर सकते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करके उसको शॉर्ट कर सकते हैं, ये करने में मज़ा आएगा, लेकिन ये कुछ ख़तरनाक है तो करने वक्त थोड़ा सावधान रहिएगा। और एक ध्यान देने की बात है, जितना कैपेसिटर का वोल्ट है उससे कम वोल्ट इसमें इनपुट देना है, नहीं तो ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। तो ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कोई यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक्स।